पटना के रास्ते गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर करीब 21 घंटे से ट्रेनों का परिचालन बाधित है। बिहार में दानापुर मंडल के बरहरिया स्टेशन पर 10 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर लोगों के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के कारण क्यूल से पटना के बीच ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। बरहरिया स्टेशन पर यात्री रविवार की सुबह 10 बजे ट्रैक पर जमा होकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर परिचालन बाधित होने से कई ट्रेनें जहां तहां की स्टेशनों पर ही फंसी रही। रेल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए 40 ट्रेनों का परिचालन दूसरे रूट से किया गया। रेलवे ट्रैक जाम रहने के कारण 23 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया गया। हावड़ा राजधानी, भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एवं हावड़ा अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस को क्यूल से भाया DDU डाइवर्ट कर दिया गया। दोनों ट्रेनों से मोकामा हाथीदह स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को क्यूल से ट्रेन पकड़ने को कहा गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार के निर्देश पर पटना जंक्शन से इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 5 से विशेष नॉन स्टॉप ट्रेन 5:10 पर DDU के लिए रवाना की गई। दोनों ट्रेनों के यात्री इसी ट्रेन से DDU तक गए। लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी कई ट्रेनों को बदले रूट से चलाया गया। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।